जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। चलिए मिलाते हैं, आज ये राजस्थान से हैं अपने भाई हरिराम, जो कि पिछले काफी समय से जुड़े हैं और इनकी इन्हें आपने हमारी वीडियो में देखा भी होगा, काफी वीडियो में ये है। तो क्या जानना है हरिराम आपको? गुरुदेव, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन का ऐसा रेयर केस बताइए जो मतलब देखने में ऐसा लगे कि यार ये हल हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे नगण्य है। हरिराम जी, हमारे पास जितने केस आते से रेयर होते हैं। अब आपको ही ले लीजिए कि आपने राजस्थान में तांत्रिक नहीं है, बाबा नहीं है, ओझा नहीं है, सोखर नहीं है या सियाने सेवड़े नहीं है, मुझे बताइए। बहुत तो आपने नहीं दिखाया होगा कहीं? दिखाया था, मुझे तो बहुत को दिखाया। तो हरिराम जी, हमारे पास या एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जैसे हमने बताया कि मान लीजिए आपको फीवर है, तो पहले आप बड़े डॉक्टर को जाएंगे या अपने लोकल के जो डॉक्टर होगा उसको दिखाएंगे या बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे? लोकल। फीवर है, नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने नज़दीक वाले जो नज़दीक में होगा वहाँ जाएगा। अब आपके जो नज़दीक डॉक्टर है वहाँ से आपका फीवर नहीं उतरता है या आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर आप लोकल की जगह फिर जाएंगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जितने भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो जो भारत के कोने कोने से, भारत के हर प्रांत से जो क्लाइंट आते हैं, वो अपने क्षेत्र में क्या दिखा के नहीं आ रहे होंगे या उनके क्षेत्र में प्रांतिक ओझा बाबा सोखा या कोई सियाना गुनिया नहीं बैठा होगा? बिल्कुल, जो पास में है उसी के पास जाएंगे पहले। देखिए, तो हमारे पास जितने केस आते हैं वो रेयर ही होते हैं, वो दुनिया घूमने के बाद तब हमारे पास आते हैं। और बाबा महाकाल की कृपा से कि जो एक बार से शक्ति साधना केंद्र में विजिट किया अपनी समस्या को लेके, तो माँ भगवती और माँ आशुम मेहतरानी महामाई उसे कभी निराश नहीं भेजती है। तो ऐसा केस जानना चाहते हैं तो मैं एक केस बताऊंगा। 2021 में जो हम निकले थे उज्जैन का शिविर लगाने के लिए, तो उस बीच में हमने बहुत सारे क्लाइंट डील करने थे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अपनी समस्या को लेके, जैसे किसी ने करा दिया है, खिला दिया तंत्र क्रिया, मशाने क्रिया, मूठ मारना, या तुम्हारी कुल देवी का मसला है, कुल देवता का मसला है, कोई भी तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो पहले हम सभी माध्यम रहता है कि पहले व्यक्ति हमसे संपर्क करता है, फोन के माध्यम से उनकी डिटेल आती है, हम स्कैनिंग के माध्यम से बताते हैं कि आपकी ये समस्या है और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सामने वाले की समस्या का समाधान अगर हमारे पास होगा तभी हम उसको बुलाएंगे, अपना और उसका टाइम तभी हम खराब करेंगे जब हमारे पास उस समस्या का समाधान होगा। अन्यथा अगर हम पहली बार तो ऐसा कुछ है नहीं, एक बार जो शिव शक्ति साधना केंद्र विजिट कर गया तो वो ठीक होके जाएगा ही जाएगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अचानक से हमारा मुरादाबाद का वो जो खून की उल्टी करने वाला केस था वो आ गया था, तो उस केस में सबसे बड़ी समस्या ये बन गई थी कि ये सोशल मीडिया पे इतनी इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं, इतनी इतनी बड़ी वीडियो डालते हैं, एक चैलेंज वाला केस था बेटा वो। वो चैलेंज इसलिए था क्योंकि पड़ोसी था, अगर ठीक नहीं होता तो चारों तरफ बदनामी होती। बिल्कुल, उस केस को मैं बहुत सीरियस लिया था। ऐसा ही केस आया था हमारे पास 2021 में अलवर डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे राजस्थान में ही है, वहां पे कोई तहसील है, मैं बता देता हूँ, तहसील है तुम्हारी वानसू, और तहसील वानसूर है, फतेहपुर गांव का नाम है मोटू का फतेहपुर अलवर, मोटू का फतेहपुर अलवर। तो वहां से हमारे पास दो भाई आए। कुछ केस तो ऐसे होते हैं कि हमें ना उनकी समस्या और इतने समय से वो जूझते हैं, खुद को रोना आ जाता है। कौन कहता है कि पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करते हैं, तंत्र साधना मतलब तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती है, निगेटिव एनर्जी नहीं होती है, भूत प्रेत नहीं होता है, जिन जंगलात नहीं होता है, सब कुछ होता है। आपके पैर में कांटा लगाए तो तकलीफ आपको होगी,
दूसरा तो बस खाली या तो आपका मजाक उड़ाएगा, ठीक है, या सहानुभूति दिखा के चला जाएगा। सब कुछ होता है, भगवान है तो शैतान भी है, और इंसान है तो भूत भी है, प्रेत भी है। पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार की एनर्जी होती ही होती है, इसको साइंस ने प्रूव किया है। तो 2021 में हमारे पास आए थे, शायद 2020 में ही आए थे लास्ट टाइम, 20 में आए थे, तो पंकज मांडिया, पंकज मांडिया करके है, जो कि मैंने बताया, ये अभी मैं उनका एड्रेस कंफर्म रजिस्टर में से किया है, तहसील वानसूर, गांव मोटुकम फतेहपुर अलवर, कोई भी सर्च कर सकता है वीडियो में देख के, अगर है तो बिल्कुल 101% है। उन्हीं ने आपके सामने उन्हीं से बात की थी, कितनी उन्होंने ये एड्रेस लिखवाया है। तो ये जो पंकज मांडिया है, ये लड़का, ये IPS लेवल की तैयारी करते हैं, इनका खुद का कोचिंग सेंटर है, उन्होंने खुद का कोचिंग सेंटर चला रखा है, और इनके एक भाई, इसका नाम है पंकज, एक भाई का नाम है राहुल, और एक का नाम है माहुल। ये तीन भाई हैं, तीन में दो जो भाई हैं वो आर्मी में जॉब करते हैं, जिसका नाम माहुल है वो अभी कॉन्स्टेबल रैंक पे हैं, या मुझे पता नहीं अभी उनकी रैंक बढ़ गई है, लेकिन जो राहुल है वो है हिसार हरियाणा में किसी अधिकारी लेवल पे, मेजर लेवल पे उनके प्रमोशन हो गए, क्योंकि वो शायद SC/ST से बिलोंग करते हैं, तो और ज़्यादा एज नहीं है उनकी, 40 साल के आसपास हैं, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, इस समस्या को लेके परेशान थे। तो उनके घर में क्या होता था मैं बता देता हूँ, उनके घर में जो था जिन्नात का साया था, जिन्नात मतलब एक जिन था जिसको हम खबीस बोल सकते हैं, वो इनके किसी, इनके पापा के किसी अपने ने उनको करा दिया था, और उनके पापा थे पुलिस में, तो उनके पापा वो जो निगेटिव एनर्जी उनको ऊपर किया कराया। ये प्रेजेंट का है, मैं कोई घटना नहीं बता रहा हूं, मैं प्रेजेंट की घटना बता रहा हूं, मैं बात भी करा सकता हूं उस व्यक्ति से, उसके पापा की डेथ उसी के चलते हुई। भटकता मरता क्या नहीं करता बेटा, मरता क्या नहीं करता। कहीं से वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी वीडियो का पता चला होगा, उन्होंने देखा, हमसे संपर्क किया, वो लोग आए, आने के बाद में हमने जो भी तंत्र काट उनका करना था वो किया। करने के बाद उनके घर पे एक्टिविटी क्या होती थी, क्या होता था, पिताजी तो उनके चले गए, वो ये कह रहे थे कि हम घर में दो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हमारी सैलरी घर में कम से कम 1.5 लाख रुपए मंथली आता है। बोले गुरुदेव वो पैसा कहाँ जाता है हमें नहीं मालूम, हम आज भी कर्जदार हैं, हमारा पैसा घर में से गायब हो जाता है, घर में अगर 1 लाख आ गया तो 1.5 लाख का खर्च है। बोले गुरुदेव हमने ये जो मकान बना रखा है 10-20 लाख रुपए लगा के, यही हमारी जीवन भर की सेविंग है, दो भाई हम ये भी नहीं कि अभी 10 लाख का काम आ जाए तो हम 10 लाख का काम निकाल लें, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद। बोले गुरुदेव हमारे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ही नहीं होता, मेरे चलो एक व्यक्ति के साथ हो तो मान गए, बोले मेरे घर में हर व्यक्ति के साथ में और हर बच्चे के छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ तक कि मेरे डोगी के साथ भी होता है। क्या एक्टिविटी, घर की लाइटें ऑटोमेटिक जल जानी, जल जानी रात में, सारी बंद करके सोए जल जानी, लाइटें बंद कर दें तो लाइटें बंद नहीं हो रही है, हो रही हैं वो लाइटें फिर ऑटोमेटिक खुद बंद हो जाती हैं, खुद चालू हो जाती है, हमारे नल जो टोटी है पानी की ऑटोमेटिक खुल जाती है रात में, हमारी चारपाई हमने सीधी डाली है, हमारी चारपाई हमने डायरेक्शन अगर साउथ को कराए तो हमारा ईस्ट को हो जाना, वेस्ट को हो जाना, हमारी रात में सोते टाइम चादर खींच के कोई भाग गया, हमारे पास में आके कोई सो गया। हद तो तब हो जाती है जब हम, जहां मैं बोल रहा था, जहां मैं मेरा डाइनिंग रूम है
उस डाइनिंग रूम में मैं बैठ सोया था, मैं भी जाके रहा था, वन नाइट हुआ था। बोले गुरुदेव इस डाइनिंग रूम में रातों को आवाजें आती हैं, हमारी छत पे आदमी की चलने की आवाज आती है। बोले मेरा डोगी जिस तरीके से प्रत्यक्ष आदमी को खड़े होकर भौंसते हैं ना, मेरे डोगी दो डोगी उसके बाद रोड पे गए ब्लैक, ये ऊंचे वो भी डेली भौंकते हैं। बोले मैं दुनिया दिखा लिया। बोले गुरुदेव हम जब तुम्हारे पास आए थे तो हम ये सोच के आए थे आपके पास कि लास्ट बार जा रहे हैं और यहां से हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम तो ये सोच लेंगे कि इस संसार में हमारा कोई अच्छा करने वाला नहीं है, हमारा जीवन इसी में चला जाएगा, उसके बाद हम कभी भी नहीं आएंगे। उनका भी कोई रिश्तेदार तांत्रिक था, छक्के जोर लगा लिए थे शायद, मुझे लग रहा है कि उसको कुछ याद मुझे नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करा दूंगा बात करें। ये जितने हमारे व्यूवर देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर कोई व्यक्ति फैक मानता है तो यहाँ पे मैं अभी कॉल लगाने वाला हूँ पंकज मांडिया को, जो कि तुम्हारा वानसूर तहसील राजस्थान अलवर से है, उन्हीं से सुनवाऊंगा स्पीकर पे डाल के। चलिए लगा देते हैं नंबर, और एक बार मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ डायल करके, लेकिन मैं नंबर को ब्लर कर दूंगा क्योंकि वो लोग भी कोई आम आदमी तो है नहीं, आप उठा के कॉल करके पूछें वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आपका नंबर लगा देते हैं, ठीक है, एक बार स्पीकर पे डाल लेते हैं और नंबर में छुपाई लेता हूँ। नाम देखिए, हेलो, हाँ गुरुजी नमस्कार, जय श्री महाकाल पंकज जी, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ पंकज जी, असल में क्या है हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो जैसे कि हमने इस 5-6 साल की सोशल मीडिया की जर्नी में अच्छा हमारे पास से कितने लोग अपना निगेटिव एनर्जी रिमूव करा के गए, उनको लाभ मिला या नहीं मिला, तो वैसे ही आप भी हमारे पास निगेटिव एनर्जी रिमूव कराने आए थे 2020 या 2021 में, तो आप निगेटिव एनर्जी रिमूव कराने आए थे हमारे यहाँ शिव शक्ति साधना केंद्र में। तो आप जो निगेटिव एनर्जी रिमूव करा के गए तो अभी आप बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या किसी प्रकार की? हाँ सर, आप फिलहाल ऑन टाइम की सिचुएशन ये है कि घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो पहले हालात इतने बेकार थे कि मैं। अच्छा, आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने हमसे संपर्क किया और आपके घर में क्या क्या एक्टिविटी होती थी, जो आपने हमें बताया वो अभी हम अपनी वीडियो में डालना चाहते हैं कि आपके घर पे क्या क्या एक्टिविटी होती थी और कितने टाइम से होती थी और आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी और आपका कोई नजदीकी तांत्रिक थे वो भी उन्होंने भी आपका ट्रीटमेंट किया था, किस प्रकार मतलब एक निराश होकर आप हमारे पास आए थे और यहाँ से इलाज कराने के बाद निगेटिव एनर्जी रिमूव कराने के बाद ऑडियंस को क्या, जो हमारे फॉलोवर हैं उनको क्या बोलेंगे कि उनको शिव शक्ति साधना केंद्र विजिट करना चाहिए या नहीं चाहिए, आप कितने लंबे समय से हमसे जुड़े हैं, सारी चीजें आप बताइए जरा। अच्छा, अपना इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के मोटू फतेहपुर गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मेरा नाम है पंकज मांडिया नाम है, और जो फादर्स नेम है जो श्री रामजीलाल मांडिया नाम है जी, और मेरा जो आपसे मतलब कि मेरा जो आपसे जो कांटेक्ट हुआ है ये यूट्यूब के जरिए हुआ है, ठीक है, जो लगभग 2019 के अप्रोक्स में मान सकते हैं 2019 के अप्रोक्स में मेरे को आपकी यूट्यूब की जो वीडियो थी ना वो प्राप्त हुई थी मेरे को, ठीक है। अच्छा, हम तो सोचे 2020 से जुड़े, लेकिन आप तो उससे पहले से जुड़े, 2019 से जुड़े। हाँ जी, मैं आपसे बहुत पहले का जुड़ा हुआ हूँ, तो शुरुआत में जैसे ही मैंने आपकी वीडियो को देखा तो मैंने सोचा यार पंकज पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं है इस इंसान में, तो मैंने काफी टाइम तक मैंने आपको ऐसा माना कि ये इंसान बिल्कुल फेक है। अच्छा, बिल्कुल, हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल फेक है, तो मैंने काफी टाइम तक ऐसे सोचता रहा। वैसे भी तो पढ़े लिखे हो, कहाँ तक क्या आपका, आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है वो भी थोड़ा बताइए ताकि लोगों को पता चले। हाँ, मेरी एजुकेशन है जो MMA BEd किया हुआ हूँ मैं, और ऑन टाइम पे मेरा जो बैकग्राउंड है
जो मेरे खुद में एक इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ मैं, जो मांडिया इंस्टीट्यूट मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट है, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड हम मतलब हम तीन भाई हैं जो मेरे से बड़े वाले हैं, जो दोनों ही इंडियन आर्मी में हैं जी, और फादर हैं जो फादर है जो भी इंडियन आर्मी में थे, लेकिन ये जो घर में प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से मेरे फादर की डेथ होगी। ओके, आप ये कारण और आपके घर में वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो क्या एक्टिविटी करती थी, हरकत क्या होती थी आपके घर में, समस्या क्या रहती थी? अच्छा, समस्या ये रहती थी कि हमारे घर में जैसे कि हमारे को एक तो ये महसूस होता था कि जैसे कि इस कमरे से इस कमरे में कोई आदमी गया। बिल्कुल, ये हमेशा मतलब कि दिन में 5-7 बार मेरे साथ होता रहता था, और ऐसा नहीं मेरे साथ ही होता, पूरी फैमिली के साथ ऐसा होता। बिल्कुल, और दूसरी ये होता था हमारे घर में जैसे कि किसी भी कमरे की लाइट वगैरह है ना, कब ऑन हो जाए कब ऑफ हो जाए वो पता नहीं है। बिल्कुल, ये आपने हमसे बताया था उस टाइम, कभी भी ऑन हो सकती है, कोई पता नहीं है। और हमारे घर में ऐसा भी हुआ है कि टीवी थी जो लोग वो काफी ऊपर से गिरी, काफी ऊपर से गिरी, और वो इस साइड से गिरी जैसे उसका गिलास बिल्कुल नीचे की तरफ था, फर्श की तरफ था, लेकिन वो गिरी वो टीवी, लेकिन उस गिलास नहीं टूटा, उसका गिलास नहीं टूटा। हाँ, गिलास नहीं टूटा। अच्छा पंकज जी, आपने हमारे पास से आने से पहले कहाँ कहाँ दिखाया था और किस हद तक निराशा हाथ लगी थी? किसी से बात ही है कि जो हमारे को ये घर में प्रॉब्लम्स है ना, ये 1998 से प्रॉब्लम थी जी, और ये जो कुछ भी किया गया था ये मेरे फादर के ऊपर किया गया था, और इसमें सबसे बड़ी ये हमारे जो जमीन जायदाद है ना उसके ऊपर करवाया गया था मेरे फादर। बिल्कुल, और मेरे फादर की जो डेथ का जो कारण बना था वो यही नेगेटिव एनर्जी बना था। मतलब कि मान सकते हैं कि हम 1998 से लेके और हम इलाज करवा रहे हैं 2021 में इलाज करवा रहे हैं, तो आप खुद देख लो कितना टाइम हो चुका है, किस हद तक परेशानी झेली है। क्या बोला सर? मैं बोलो किस हद तक परेशानी झेली है वो कोई भी समस्या। परेशानी तो हाँ, सोच लो ना अब 21 साल तो हो गया, 2-3 साल के टाइम वो हो गया, तो मतलब 23 साल की प्रॉब्लम थी हमारी। 23 साल में निजात तो मिल गई। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन टाइम पे घर में सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और वो जो कोई तांत्रिक थे आपके, कोई रिश्तेदार थे, उनका क्या सीन था? हाँ वो ऐसा नहीं है कि एक ही तांत्रिक आया है, हमें लगभग बताऊँ तो कम से कम 50 तांत्रिक आ चुके हैं। ओके, 50 तांत्रिक। आपने उस टाइम, मुझे जहाँ तक याद है आपके बड़े वाले भाई थे, क्या नाम था, राहुल नाम था मेरे से बड़ा था, और बड़ा वाला था राहुल नाम था। नहीं तो मेरे हमारे पास तो माहौल आए थे ना, माहौल वाला। हाँ, माहौल आया था। तो जो उस टाइम आपका जो शायद आपने एक बात बोली थी जो मेरे तो दिल को लग गई थी वो बात, कि गुरुदेव हम ये सोच के आए हैं कि अगर आपके पास से हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम ये मान लेंगे कि इस संसार में हमारा दुख दूर करने वाला कोई नहीं। नहीं हम नहीं, मेरे खुद की वैसे अगर निकटवर्ती एरिया को पकड़ते हैं, अब ज्यादा दूर का तांत्रिक हमारे को पता थोड़ी नहीं है कौन कैसे है, दुनिया में तो पता नहीं कौन कौन पड़ा है, लेकिन हमारे को पता थोड़ी, अब बात भी करेंगे तो निकटवर्ती कैंडिडेट को पकड़ सकते हैं, ये तांत्रिक है, ये तांत्रिक इससे इलाज करवा लो। अब दूर की बात करें तो हम आप और किसी को जानते नहीं है, तो एक ही जरिया था कि हाँ, तो हमारे पास ये सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन था हमारे पास जी 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 कि हाँ ये इलाज हो गया ना हाँ। तो बढ़िया है, नहीं तो वैसे शायद इसी के सहारे जिंदगी, मतलब ऐसे ही रो रो के जिंदगी काटनी पड़ेगी, रो रो के जिंदगी काटनी नहीं है, बहुत जल्दी मरना है ये निश्चित था हमारा। हाँ, उसमें जो क्रिया थी ना वो क्रिया ही मादन क्रिया थी जो कि पिताजी को आपको ले गई थी। पंकज जी करने वाले से कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपका शिव शक्ति साधना केंद्र में आके समस्या का समाधान हुआ। तो अभी हम जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, आपका फोन स्पीकर पे है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो फॉलोवर हैं, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप के रियल में तंत्र होता है या अंधविश्वास है? नहीं नहीं, तंत्र तो 1001% होता है, तंत्र तो 1001% होता है। और मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ। कोई भी भाई जो ज्यादा प्रॉब्लम में है ना हाँ। वो चंद्र नाथ जी से मिलो, बकवास के जो टाइप है ना, ये बकवास टाइप की तांत्रिक बने बैठे है ना, तो इनके पास अपना पैसा है ना, फिजूल में मत जाओ, ठीक है? और दुनिया में मतलब लूट खूस बहुत ज्यादा है। अच्छा पंकज जी, हमने एक बात और बताएंगे, हमारे पास आने का प्रोसीजर क्या है वो भी बता दीजिए। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे चला है, कैसे आपके पास पहुंचे हम? हाँ
अच्छा, मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है आपका प्रोसीजर ये है कि सर यहाँ से जैसे कॉन्टेक्ट करो आप मोबाइल नंबर आश्रम के नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद में आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई आपको उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे उपस्थित होना है। बिल्कुल ठीक है, उस टाइम पे आपको उपस्थित होना है, अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो वो दिक्कत है ना, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। हाँ मतलब डेट तो आश्रम से मिलती है ना, डेट हाँ डेट आश्रम से दी जाएगी, आप अगर उस डेट पे नहीं पहुंचे और फिर उसके बाद में आप पहुंच जाते हैं तो उसमें आपको खुद को प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। ऐसा है ना, एक बार को अगर नहीं पहुंचते हैं भी कोई ट्रांसपोर्ट, देखिए लोग हजारों किलोमीटर से दूर से आते हैं ट्रांसपोर्ट, मतलब मान लीजिए ट्रेन के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से आए और एक बार को नहीं पहुंच पाते तो उनको अगले हफ्ते की डेट दे दी जाती है, ऐसा नहीं कि उनका इलाज नहीं होगा। और हम एक बात बताइए, हमने आपसे जो भी चार्ज लिया था उसी टाइम लिया था, उसके बाद में क्या आज तक हमारी कॉल पहुंची आपके पास? बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं ना, हमने बहुत देखा है कि कभी 5,000 ले लिए, कभी 10,000 ले लिए, कभी 20,000 ले लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट है जो दीपावली, जैसे दीपावली आ रही है तो नहीं, अब दीपावली आ रही है तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा हमारे को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल जैसे कि आपको बस आपका काम ये है कि भाई आप इलाज करो सीधा राम राम लो और अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और शिव शक्ति साधना केंद्र से हमेशा जुड़े रहिए, मिलेगा ही, कुछ देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को ये बात कहना भी चाहूंगा कि भैया जुड़े रहे, ठीक है, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप शेयर करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा 100%। ठीक है, चलिए पंकज जी, जय श्री महाकाल, आदेश।